हेलो दोस्तों, अनीताज रसोई में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं बहुत ही सिंपल मसालों से घर पर एकदम रेस्टोरेंट जैसी भिंडी दही मसाला। जिन्हें घर में भिंडी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है दोस्तों, इस सब्जी को वो सभी पसंद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं टेस्टी और एकदम आसान तरीके से भिंडी दही मसाला। भिंडी को धोकर अच्छे से इसका सारा पानी सुखा लिए हैं और इसे एक एक इंच के टुकड़े में काट लिए हैं। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा डालेंगे नमक, दो पिंच डालेंगे हल्दी पाउडर और डालेंगे दो तीन पिंच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच पानी डाल देंगे ताकि मसाला भिंडी के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से भिंडी में मसाला अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसे फ्राई कर लेंगे। एक कड़ाही में दो बड़ा चम्मच सरसों तेल लिए हैं और इसे गर्म होने देंगे और फ्लेम हम मीडियम टू लो रखे हैं। और तेल गर्म हो गया है, वह इसमें डाल देंगे मसाला मिक्स किया हुआ भिंडी। इसे धीमे धीमे फ्लेम में ही भुनेंगे ताकि इसका कलर एकदम ग्रीन बना रहे। तेज फ्लेम में भून लेंगे तो इसका कलर ज्यादा डार्क हो जाएगा। इसे बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है ताकि जब हम इसे मसाला में डालें तो ग्रीन ग्रीन बहुत सुंदर सब्जी दिखे। अब इसे हम ढक ढक कर भूनेंगे और 80% तक भिंडी भून जाए इतना हमें इसे पका लेना है। लगभग 5 मिनट भूनने के बाद भिंडी अच्छे से भून गया है। एक हल्का हल्का सा गोल्डन सा लेयर आ गया भिंडी के ऊपर और 80% लगभग पक भी गया है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। उसी कड़ाही में दो बड़ा चम्मच सरसों तेल ले लिए हैं और अब इसमें डाल देंगे जीरा, थोड़ा सा जीरा डालेंगे और दो तीन पिंच डाल देंगे हींग। हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा भिंडी के सब्जी में। हल्का सा इसे भून लेंगे और तोड़ कर डालेंगे एक लाल मिर्च। जीरा भून गया है, अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ एक बड़े साइज का प्याज। अब इसे भूनेंगे गोल्डन हो जाने तक और प्याज भूनते समय ही डाल देंगे दो हरी मिर्च। मिर्च भी अच्छे से भून जाएगा प्याज के साथ। प्याज गोल्डन ब्राउन भून गया है, अब इसमें डाल देंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे 4-5 सेकंड भून लेंगे। अदरक और लहसुन का कच्चापन चला जाए इतना इसे भून लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ी देर भून लेने के बाद अब इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। फ्लेम हम एकदम लो कर लेंगे ताकि सूखे मसाले हैं तो जले नहीं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के डालेंगे धनिया पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर 5-7 सेकंड भून लेंगे मसाले को। 5-6 मिनट मसाला भून लिए हैं, अब इसमें डाल देंगे कटा हुआ एक बारीक टमाटर और इसे सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अब यहीं पे डालेंगे नमक ताकि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए। 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। टमाटर सॉफ्ट होने देंगे और फ्लेम मीडियम कर लेंगे। देखिए दोस्तों, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और तेल भी सेपरेट हो गया है, मसाला अच्छे से भून गया है। अब इसमें डाल देंगे फेटा हुआ 1/2 कप दही। फ्लेम हम एकदम लो कर लेंगे नहीं तो दही फट जाएगा। अब इसे मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। थोड़ी देर इसे अच्छे से चला लेने के बाद इसे लो फ्लेम में ही ढक देंगे और इसे पकने देंगे। लगभग 2 मिनट पकने के बाद ये देखिए दोस्तों, दही अच्छे से पक गया है और तेल भी सेपरेट हो गया है, मसाला अच्छे से तैयार हो गया है हमारा। अब इसमें डाल देंगे भुना हुआ भिंडी। बहुत टेस्टी सब्जी बनता है दोस्तों, आप भी इस तरीके से बनाइएगा। और अगर मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये मेरा आसान सा रेसिपी कैसा लगा। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा 1/2 टीस्पून गरम मसाला और डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। इससे एकदम रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आएगा, इससे जरूर डालिएगा। वैसे अगर नहीं है तो बिना कसूरी मेथी का भी सब्जी बहुत टेस्टी बनेगा। इसे रेस्टोरेंट जैसा एकदम टेस्ट लाना है इसमें तो कसूरी मेथी डालना
जरूरी है। आप भी इस तरीके से जरूर बनाइएगा दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे आपको मेरे नए नए और आसान रेसिपीज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। ग्रेवी आप अपने अनुसार कम या ज्यादा रख सकते हैं, पतला या गाढ़ा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक देंगे और 5 मिनट पकने देंगे ताकि भिंडी के अंदर सारा ग्रेवी का फ्लेवर चला जाए। देखिए 5 मिनट पकने के बाद सब्जी हमारा बनके तैयार है। तेल भी सेपरेट दिख रहा है और ग्रेवी भी गाढ़ा गाढ़ा हो गया है और भिंडी पक गया है अच्छे से। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हरा धनिया। आप चाहें तो इस सब्जी को सूखी सब्जी भी बना सकते हैं और बच्चों को लंच में दे सकते हैं, ऑफिस में भी दे सकते हैं या सफर में भी लेकर जा सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है। बस जिस समय हम पानी डालें उस समय पानी नहीं डालेंगे और एकदम लो फ्लेम में भिंडी को डालकर 5 से 7 मिनट पका लेंगे। भिंडी पहले ही पका हुआ है तो इसे बहुत ज्यादा पकाने का जरूरत नहीं है। अब इसे आप रोटी, चावल, नान, पराठे के साथ सर्व करें।